हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द वर्मन साबन में। आज हम बात करने वाले हैं जियो के बारे में। रुको भाई, जियो के बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को विश करता हूं भाई हैप्पी न्यू ईयर। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी नए लोग हैं, सभी लोगों को मैं और आपके साथ ही साथ आपके परिवार को भी हैप्पी न्यू ईयर। आप लोग भाई इंजॉय करो, नया साल आ चुका है, 2019 खत्म हो चुका है, 2020 आ चुका है, आज पहला जनवरी है। होपफुली आप लोग बहुत इंजॉय कर रहे हो, बहुत से लोग पिकनिक वगैरह जाते हो। अब आप क्या कर रहे हो, आज का प्लानिंग क्या है, और अगर आप बाद में ये वीडियो देख रहे हो तो आपने आज क्या क्या किया, थोड़ा बहुत कमेंट करो, हमें भी विशेस करो तो अच्छा लगता है भाई। चलो हम भी एक परिवार के सदस्य हैं, हमारा परिवार बहुत बड़ा है तो अच्छा लगता है, लोग हमारे साथ ऐसे ही अगर बातचीत कर लिया करते हैं तो बहुत खुशी मिलती है मुझे। तो वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। अब आते हैं मुद्दे पे। आज का मुद्दा ये है कि भाई जियो एक नया मोबाइल डिवाइस को लॉन्च करने वाला है जो कि 500 रुपये से कम में आपको मिल सकता है। तो भाई ऐसा कौन सा मोबाइल डिवाइस लाएगा? 91 मोबाइल्स के एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कहा जा रहा है उसमें कि जियो एक नया जियोफोन लॉन्च करेगा जिसका नाम हो सकता है जियोफोन लाइट, जो कि आपको 500 से भी कम में मिलेगा, करीब करीब 399 ऐसा इसका आप सोच सकते हो ये प्राइस में अवेलेबल होगा, जैसे कि लीक्स में बताया जा रहा है। और इस फोन में आपको इंटरनेट की कोई भी सर्विसेज नहीं मिलने वाली है, जस्ट फॉर कॉलिंग पर्पस इसे यूज़ किया जाने वाला है। वैसा ये फ़ोन डेवलप कर रहे हैं, ऐसा ये फ़ोन इसलिए डेवलप कर रहे हैं क्योंकि इंडिया में अभी भी बहुत से लोग 2G हैंडसेट यूज़ करते हैं और जस्ट फॉर कॉलिंग वो फ़ोन को यूज़ करते हैं। तो वोडाफोन आइडिया और एयरटेल के पास ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स हैं और जियो लगातार उन सारे कस्टमर्स को यहाँ पर टारगेट कर रहा है और उसी वजह से उन्होंने जियो फोन लॉन्च किया और अब वो जियोफोन लाइट को लॉन्च करने वाले हैं। करीब करीब ये 400 रुपये में आपको मिलेगा, जहाँ पर आपको जस्ट फॉर कॉलिंग पर्पज़ ये डिवाइस यूज़ होने वाला है। कुछ भी डेट वगैरह फाइनल नहीं हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है कि भाई AGM मीट जो होगा 2020 में यानी कि इसी साल, उसके बाद ही ये मोबाइल डिवाइस को लॉन्च किया जा सकता है। इसमें जो कॉल रेट होगा वो आपका नॉर्मल है, आपको 50 रुपये का रिचार्ज करवाना पड़ेगा जैसा आप जियो फोन में पहले करते थे, और उसके बाद आपका ऑल ओवर इंडिया में फ्री में कॉलिंग होगा। कुछ कैपिंग वगैरह हो सकता है, क्या FFP वगैरह भी लिमिट्स वगैरह कुछ हो सकता है, बट अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। ये भाई लीक है कि जियो फोन लाइट लॉन्च किया जा सकता है, 400 रुपये का प्राइसिंग हो सकता है, जहाँ पर आपको 50 रुपये पैसे चुका कर आप 28 दिनों तक पूरा एकदम बात कर सकते हो, और मोबाइल में खाली बात मैसेजेस के अलावा कुछ भी नहीं होगा, एकदम सिंपल कीपैड वाला फ़ोन होने वाला है, जैसा कि आपका जियो फोन है उससे भी लो ग्रेड वाला डिवाइस होने वाला है। 400 रुपये में अगर देता है जियो तो भाई कमाल हो जाएगा ना। तो जब ये लॉन्च होगा तब तो हम आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे, उसका रिव्यू भी करेंगे, क्या ये डिवाइस आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सस्ता का माल हमेशा अच्छा नहीं होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगता तो एक लाइक से जरूर देना, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करके ही जाना। तो दोस्तों मिलता हूँ एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहे, खेलते रहे और बोलते रहे भारत माता की जय। धन्यवाद एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर।